बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने पैतृक गांव में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। अपने परिवार व ग्रामीणों के साथ पंकज 4 दिनों से छुट्टियां मना रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव गोपालगंज के बरौली प्रखंड के बेलसंड गांव में अपने माता पिता से मिलने पहुंचे व पिछले 4 दिनों से अपने गाँव में ग्रामीणों के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। पंकज अपने पिता पंडित बनारस तिवारी, माता हेमवंती देवी, बड़े भाई विजेंद्र तिवारी के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बताया कि इस बार वे 6 माह बाद गांव आए हैं। गांव में माता पिता व बड़े भाई का आशीर्वाद लेने आए हैं। गांव में आनंद से हैं, ट्यूबवेल पर नहा रहे हैं, परिजनों संग लिट्टी बना रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि भागम भाग से निकल कर गाँव आए हैं, यहाँ चैन मिलता है, लगता है जीवन कितना ठहरा हुआ है। एक संयोग होता है कि पंकज कोई फिल्म रिलीज होने से पहले अपने गांव माता पिता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। इस बार वे शेर दिल रिलीज होने के बाद घर पहुंचे हैं। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म में फुकरे 3, ओ माई गॉड 2, वेब सीरीज मिर्जापुर 3 जल्द आने वाली है। इस बार कुछ 5 महीने के गैप पे आया हूँ, तो अच्छा आनंद आ रहा है और नितांत निजी यात्रा है। माँ बाबू जी से मिलने आए थे तो आनंद ले रहे हैं। गांव का लिट्टी चोखा बन रहा है, आज ट्यूबवेल में नहा रहे हैं। सो यही है, हम व्यस्त भागम भाग भाग दौड़ सिनेमा और उनसे निकल के यहाँ तक आए हैं। थोड़ा स्पेस मिलता है यहाँ, थोड़ी इत्मीनान मिलती है, लगता है जीवन कितना ठहरा हुआ है। सुबह से 11 बजने में लगता है पता नहीं समय चल क्यों नहीं रहा है, जो मुंबई के भागदौड़ में कई बार महसूस नहीं होता है, कब सुबह हुई, कब दोपहर, कब शाम। तो अच्छा है, आनंददायक है। एक सुखद संयोग होता है कि कोई पिक्चर रिलीज होने से पहले आप अपने गाँव होते, इस बार से दिल रिलीज होने के बाद पहुँचे। हाँ नहीं, वो इस पर तो छुट्टी जब मिलती है तब आ जाते हैं, वो छुट्टी के आसपास कोई प्रोजेक्ट हो अलग बात है। तो इस पर हाँ, इस पर अभी छुट्टी मिली इस वक्त में, तो हम निकल आए 2-3 दिनों के लिए। आने वाली फिल्म उकरे 3 और ओ माई गॉड 2 और एक हमें प्राइम वीडियो का एक नया शो है वो आएगा, और उसके बाद अभी कोई अनाउंस नहीं है और पाइपलाइन में है। तो आपके फैन मिर्जापुर 3 का बड़ा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। सो अच्छा है, उसकी एक अलग फैन बेस है, लोग पसंद करते हैं कालीन भैया को, और तो हम भी प्रतीक्षारत हैं। देखिए आज कितना सुंदर आसमान है। इस बातचीत के बाद मैं चाहूँगा इस चांद और इस कलरफुल बादल को दिखाएं आप। ओहो, ब्लू स्काई में इतना सुंदर लग रहा है।